गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी रही नाइट? अच्छी, पता नहीं चला। मजा आया? मेरा तो अभी मन नहीं कर रहा था उठने का, पर जाना पड़ेगा, पापा के टेस्ट करवाने हैं तो फिर जाना। चलो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षित लेक व्लॉग्स। आई होप आप सब सही हो गए, स्वस्थ हो गए। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो सुबह हो चुकी है, मॉर्निंग हमारी काफ़ी अच्छी रही, मतलब ये बोल सकते हैं रात को काफ़ी अच्छी नींद आ गई। और नेहा का एक्सपीरियंस भी पूछेंगे कैसा रहा पहली बार टेंट में। तो नेहा तो चली गई है सामान लेके नीचे, तो मैं अभी जाता हूँ क्योंकि अभी हमें जाना है सबसे पहले वो पापा के टेस्ट करवाने, फिर ले मम्मी को लेके जाना है हॉस्पिटल, जिस चीज़ के लिए मम्मी स्पेशली आए, साथ में पूजा भी है, तो दोनों चीज़ें करेंगे। सबसे पहले तो इस ब्लॉग को मैं शुरू करता हूँ। तो शिवम उज्ज्वल तो अभी उठे नहीं है, मैं और नेहा उठ चुके हैं, पंडित जी भी आ चुके हैं। मैंने सोचा आप सभी लोगों को तारा देवी माता के दर्शन करवा देता हूँ। जय हो तारा देवी माता, सब पे रक्षा बनाए रखना। क्या बात है, आप तो बिल्कुल रेडी हो सुबह ही। मैं तो रेडी हो चुका हूँ। चलो फिर आपका ये सबसे पहले काम। अच्छा, तो हम जाते ताकि वापिस आके फिर मम्मी भी रेडी हो जाएंगे। टेस्ट कराना जरूरी है। हाँ, टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। चलो फिर आ जाओ। तेरी शर्म जब नहीं मानती टेस्ट करते। पर एक चीज देखो, पापा इतनी ईमानदार हैं, इनको इतनी जल्दी कितना प्रचार हो गया। बिल्कुल तैयार हो गया। मेरा तो शेड्यूल तो ये होता है जब कहीं जाना हो ना, मैं आधे घंटा पहले तैयार हो जाता हूँ। चलो फिर, अभी परफेक्ट टाइम हुआ है। अच्छा, आज काफी ज्यादा क्राउड है यहाँ पे टेस्ट के लिए, हम थोड़े से लेट भी हो गए शायद इसलिए। तो मैं जा रही हूँ गाड़ी के पास, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि हम तीनों ही ऊपर हो और चलान हो जाए, क्योंकि मेरा तो कोई टेस्ट नहीं है, पापा के टेस्ट है। तो फिर मैं तब तक नीचे ही वेट कर रही हूँ, अगर चलान हो भी रहा हो तो कम से कम बोल तो सकती हूँ कि थोड़ी देर रुक जाऊँ। टेस्ट तो हमने पापा के करवा दिए, हम हो चुके हैं यहाँ से फ्री, अब चलते हैं घर को। अभी घर चले? हाँ, अभी घर चलते हैं ना, मम्मी को भी लेके आना है। अच्छा, फिर उसका भी हाँ चेकअप कराना है। बिल्कुल है ना? तो अभी हम यहाँ से निकलते, पहले हमने गाड़ी भी वहाँ लगाई है। तो शुक्र है अभी पुलिस वाले नहीं आए, क्योंकि अभी मॉर्निंग टाइम है, तो अब इसके बाद चलान होना शुरू हो जाता है। सुबह सुबह हम लोगों को प्रसाद भी मिल गया है विकास नगर में, पिछली बार भी मिला था हम लोगों को। हाँ। इस बार भी आते ही सुबह सुबह इतने जल्दी, अभी ने आप बोल रहे थे मीठा खाने का, तब तक प्रसाद वाले। मेरे मन में ऐसा था कि मीठा खाना था, और देखो प्रसाद मिल गया। और पापा के टेस्ट भी हो चुके हैं। हाँ। तो भूख भी लग रही होगी इनको, कल से फास्टिंग करवाई हमने। हाँ, तो अच्छा हो गया आपको सुबह सुबह माता रानी का प्रसाद मिल गया। चलो हम भी ग्रहण करते हैं प्रसाद। वाह, देखो अपने टेंट कैसे दिखाई दे रहे हैं यहाँ से, और टेंट हमारे छत पे। अच्छा, और पीछे बैकग्राउंड में व्यू कितना अच्छा आ रहा है। हाँ, नहीं निकाले हमने अभी, लगा रखे। हाँ जी नया, तो कैसा रहा आपका कैंपिंग नाइट एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया, मुझे पता भी नहीं चला। सही बात है भाई, मेरे को बहुत बढ़िया नींद आई थी, पर ऐसा मन कर रहा था थोड़ा और सोते ना, मजा आता। जल्दी उठना पड़ गया, और कोई बात नहीं, आज रात को देखते हैं, अगर कोई और कैंडिडेट नहीं होगा तो फिर सो जाएंगे। क्यों? अगर कोई गेस्ट आ गया तो फिर उनको चांस देना पड़ेगा, फिर हम अपने रूम में। सही बात है, चलो देखते हैं, अभी तो घर पहुंच गए, मम्मी को भी देखते हैं रेडी होएगी नहीं। तो हम लोग हो चुके हैं रेडी, तो अब मम्मी की बारी है। सो पापा का तो टेस्ट करवा दिया। हाँ। अब मम्मी के साथ जाते हैं। तो मम्मी पता क्या, हाँ। हम ना वहाँ पे गेट तक आपको छोड़ेंगे ना, तो आप और पापा अंदर को मूव करना, तब तक पर्ची वगैरह बना देना, हम लोग गाड़ी लगा देंगे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ तो लगाने नहीं देंगे, हो सकता है तो क्राउड हो, संजौली जाना पड़े वापसी पार्किंग में लगाने। तो आप लोगों को कम से कम ये है कि ड्रॉप हो जाएगा, फिर पिक भी कर लेंगे, टर्न भी आ जाएगी ना। हाँ, और फिर हमें फिर पापा की रिपोर्ट्स भी आएंगी, फिर उनको लेके भी तेंजिन जाना है। तो अभी तो ओ शिट, घड़ी भूल गया। कोई बात नहीं, चार्जिंग में लगी थी तो ओ यार, कई बार याद नहीं रहती है। चलो कोई बात नहीं, तो अभी हम पहले निकलते हैं, संजौली होते जाना ही पड़ेगा, बेचारे मम्मी थक गए। हम लोग आईजीएमसी तो पहुंच चुके हैं, पार्किंग हमें इतने ऊपर आके मिली है। हाँ। क्योंकि यहाँ पे नीचे मेन सड़क में लगा नहीं सकते, कहीं पे रिस्ट्रिक्टेड रोड है, तो ठंडा है। मम्मी पापा को हमने ड्रॉप कर लिया था, हमें और नेहा जा रहे हैं वहीं पे, है ना। मम्मी को भी, मम्मी का नंबर नहीं लगा है, बोलते बहुत ज्यादा क्राउड है, तब तो हम लोग भी परे ही आते हैं, क्योंकि फिर खड़े हो जाएंगे ना उनके साथ। चलो फिर चलते हैं। चलो, शिमला में एक बेस्ट चीज़ जो हुई है ना, वो ही है ये जो पाथवे बना है। तो देखो यहाँ से कनेक्ट हो रहा है सीधा इधर को, इधर से भी जा सकते हैं, और यहाँ से सीधा हॉस्पिटल तक पहुँचेंगे, क्योंकि यहाँ जो है ना टाइट सड़क थी, चलने में बहुत दिक्कत होती थी। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग आराम से चल सकते हैं। मैं पापा को गाड़ी में बता दी थी, मैंने तो ऑफिस में यहीं से जाती थी फटाफट, है ना। उसको तुमने फिर चलना उस टाइम बना नहीं होगा ना पूरा, अब बन चुका है। हाँ, जो लोग रील्स वगैरह बनाते हैं ना, उनके लिए भी ये मैं बताऊँ अच्छी चीज़ है, क्योंकि यहाँ लाइटिंग अच्छी है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट शीट लगी है ऊपर, और इसका जो कलर है वो भी अच्छा है।
तो कैमरे में काफी अच्छे आ रहे हैं, फोटोज भी अच्छी आएगी आई बार, ट्राई कर सकते हैं मैं कार को, एक आध फोटो में जब मम्मी पापा भी होंगे ना फिर खींचेंगे। तो पूरे 3 घंटे बाद हम लोग हॉस्पिटल से बाहर निकले, तो अंदर इतना रश था ना मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत लोग थे। तो अब जाके मम्मी का नंबर आया, तो हमने जैसे मम्मी को दिखाया तो पापा और मम्मी थोड़ी बहुत मेडिसन्स ले रहे, तो हमने सोचा कि तब तक गाड़ी ले आ देते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दूर है और अभी टाइम बाकी है क्योंकि पापा की रिपोर्ट भी आने वाली है तो वो भी चेक करानी है। तो अब समझ नहीं आ रहा कि देखते कैसे करेंगे, अगर आज फ्री होते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर कल सुबह सुबह ही जाएंगे टेंशन और रिपोर्ट दिखा के आ जाएंगे। हाँ क्योंकि घर पे पूजा भी चली है, हाँ। तो अभी तो कुछ नहीं है, शाम को फिर से, तो तब तक तो हमें पहुंचना ही पड़ेगा। पर थक गए यार, खड़े खड़े ना, सही बात है बहुत ज्यादा। पर एक चीज देखने वाली है, हॉस्पिटल में इतने सारे लोग होते हैं, वहाँ जाके पता चलता है इसलिए दुख बहुत ज्यादा। तो बेचारे भागे हुए, किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है, तो ऐसा ही है। चलो अभी हम अपनी गाड़ी तक जाते हैं क्योंकि अभी हमें थोड़ी चढ़ाई चढ़नी है, सांस भी फूलेगा ना, मम्मी पापा को ज्यादा वेट नहीं कराना क्योंकि बेचारे पिछले 3 घंटे से हॉस्पिटल में, हाँ बिल्कुल थक जाते हैं यार। मम्मी पापा ने अभी हमें ज्वाइन कर लिया था, ये लोग भी फ्री हो गए हैं, पर ये अभी संजौली ही रुकेंगे क्योंकि पापा, हाँ पापा की अभी रिपोर्ट्स लेनी है, तो अभी टाइम होने ही वाला है और हमें घर पे काम है तो हमें घर जाना पड़ेगा, फिर वापस आएंगे इनको लेने, जब तक ये रिपोर्ट्स वगैरह ले लेंगे, और शैलजा दीदी से भी मिलना होगा इनको। शैलजा से मिल लेते हैं, हाँ आए हुए तो है, शैलजा से मिल लेते हैं और रिपोर्ट्स भी हम कलेक्ट कर देंगे, ठीक है, और हम छोटा शिमला आ जाएंगे, हाँ है ना, और छोटा शिमला में तुमने हमारे को मिल जाना, ठीक है, ठीक है, आराम से जाओ, ओके जी बाय, ओके बेटा, ओके बाय। एक चीज ये अच्छी है कि मेटलिंग हो रही है ना, तो काफी ज्यादा ट्रैफिक लग रहा है, तो 3 ऐसी बच जाने जब तक हम परे पहुंचने हैं ना, और फिर वैसे ही वापस आना पड़ेगा हम लोगों को। सही बात। अभी नीचे रूम में आया हूं मैं, जिस पे पेंट हो रहा है किरायेदार के रूम में, देखो पहले हालत कितनी ज्यादा खराब थी, अब जाके थोड़ा बहुत जो है ना रूम लग रहा है कि रूम है, तो इस वाले रूम में तो हो चुका है, बाहर वाले रूम में अभी काम चल रहा है, यहाँ पे भी ठीक है, तो बहुत ज्यादा गंदे हाल थे, इसमें तो कम से कम 3-4 कोट लगाने पड़े फिर जाके ये ठीक हो रहा है। अभी दरवाजे और खिड़कियों में रह चुका है पेंट करना। वाह भाई, सास बहू की रसोई में क्या बनना है? सास बहू की रसोई में बहू दाल बना रही है और सास चटनी बना रहे हैं। मम्मी बहुत टेस्टी चटनी बनाते हैं, तो मम्मी ने कल ही बोल दिया था कि मैं तुम्हारे को चटनी बनाऊंगी। अच्छा, मैं कहा ठीक है, तो बस मम्मी ने चटनी बनाई है, हम तड़का मारते हैं आज, हम चटनी देखते हैं, वाह रियली ये थोड़ी टेस्टी लग रही है, देख दे मैं तो बहुत अच्छी टेस्टी लग रही है, जब हम खाएंगे तब हम रिव्यू देंगे कि कैसी बनी है। और हम आज जल्दी खाना बना रहे हैं, अच्छा, क्योंकि शाम को ऊपर कीर्तन होगा ना, इसीलिए तो फिर उसके बाद तो फिर अब थोड़ी लेट हो जाती है ना, हाँ फिर खाना या डिनर का टाइम चला जाता है। आप क्या तड़का लगा रहे हो? हाँ, क्या बना रहे हो? क्या बना रहे? मैं पीली दाल बना रही हूँ। अच्छा अच्छा, चटनी बन गई है, चटनी बन गई है। हाँ, आज जो टेस्ट लिया उसके बारे में क्या? कुछ नहीं, मैं तो आप सबको भी यही बोलूंगी कि सबसे पहले देखो हेल्थ है। मैंने अक्षय को भी बोला था, मम्मी पापा चाहे मैं हूँ कोई भी हूँ, तो जो हमारी जिंदगी में डेली रूटीन में देखो वॉक होनी चाहिए और एक्सरसाइज भी होनी चाहिए। इसका मैंने एग्जांपल अक्षय को देखा है, क्योंकि उनके स्टार्टिंग में जो टेस्ट थे वो बहुत ज्यादा हाई चले गए थे, पर आई थिंक 10 या 15 दिन में उन्होंने वॉक और एक्सरसाइज करके 500 something ला दिया, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। हाँ। और अपना सेहत का सबसे पहले ध्यान रखिए, क्योंकि नहीं ठीक है, और मेरे को इतना नहीं था क्योंकि मैं तो एग्जर्शन भी है, मेरी तो एग्जर्ट भी होता हूँ, पर समझ नहीं आया, फिर भी मेरे टेस्ट जो है ना मे बी एज के साथ हो जाते होंगे। अच्छा नहीं, पर ऐसा कि भाई आपके टेस्ट बहुत अच्छे हैं, मैंने जो रिपोर्ट्स देखी ना वो बहुत अच्छे हैं। हाँ, पर हेल्थ का हमेशा ध्यान रखना, तेरी मम्मी के भी ये नीचे ऊपर है टेस्ट थोड़े से, हाँ है ना, इसको थोड़ा सा हाँ करना पड़ेगा। तो एक चीज है कि पापा को कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर कि मेरे जो सारे टेस्ट है वो बिल्कुल ठीक आएंगे, पर ओवर कॉन्फिडेंस भी मारा जाता है वैसे, यानी मानते हो ना ये बात? जो मैं फील करता हूँ ना, हाँ ये फील करता हूँ, मैं बिल्कुल फिट हूँ, मतलब मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, मेरे टेस्ट बराबर आएंगे, सही आएंगे, हाँ। पर नहीं, फिर भी मेरे टेस्ट में थोड़ी थोड़ी वेरिएशन है, चलो वो तो थोड़ा थोड़ा मेरे को इम्प्रूव करना है, क्योंकि आज तक हम बड़े मतलब हम हेल्थ कॉन्शियस नहीं थे, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी हम ज्यादा करते हैं, खाना डाइजेस्ट करते हैं, इस वजह से लगता था कि मैं फिट हूँ बिल्कुल, नहीं फिर भी अब मेरे को लग गया पता कि भाई घी भी ज्यादा नहीं खाना है, yes. और ऑयली चीजें भी ज्यादा नहीं खानी है, और खाने के बाद वॉक करना भी जरूरी है ना, अब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, मोटी दालें भी ज्यादा नहीं खानी है
है ना, हमारे सिड्डू घी ज्यादा चलता है, हम इसके सिड्डू घी के शौकीन, आज भी सिड्डू खा के आए बाजार मार्केट से, है ना, मीठा मीठा सिड्डू और घी खा के आए आज। हाँ, पापा को सिड्डू भी अवॉइड करना पड़ेगा। हाँ, ये भी अवॉइड करने पड़ेंगे और चाय कम करनी पड़ेगी। यस, है ना, तो इसलिए कि भाई हेल्थ कॉन्शियस होना बड़ा जरूरी है। मैं तो आपके सब्सक्राइबर्स को बोलता हूँ कि भाई ज्यादा ऑयली चीजें, घी, ज्यादा पनीर वगैरह अगर आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते तो कम खाओ, सिंपल ऑर्डिनरी खाना, सिंपल खाना ज्यादा खाओ, इसमें आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, नहीं तो कोई ना कोई डिजीज आपको कहीं ना कहीं से घेर लेगी। चलो अच्छी बात है, आप आए, आपने टेस्ट करवाए, पता चल गया। हाँ, बल्कि मैं अक्षय को बोल रहा था ना। हाँ, अक्षय बोल रहा था कि मेरे थोड़े नीचे ऊपर है टेस्ट। हाँ, तो मैंने कहा तू योगा एक्सरसाइज क्यों नहीं करता, पर ये भी बड़ा हेल्थ कॉन्शियस है। हाँ, है। फिर भी इसके नीचे ऊपर है टेस्ट। अच्छा, मैंने बोला तू ऐसे ढंग से, मैंने कहा तुम सुस्त रहते, लापरवाह रहते, बोला आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ जरा टेस्ट करा, देखते जरा आपके कैसे आते हैं टेस्ट, फिर बताऊंगा मैं। तो वाकई अब मेरे को लगा कि भाई वाकई ये तो मैंने कहा हमारे को भी थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा हर चीज खान पान के बारे में, खास तौर पर, क्योंकि जब हेल्थ है तभी सब कुछ है, जब हेल्थ नहीं है तो। चलो अब आप भी चेंज करो, हम लोग भी खाना बनाते हैं, ठीक है। वाह भाई वाह, थैंक यू इसको ढूंढने के लिए। कल भी बोला वहाँ पे, मैंने सारा ढूंढा, थैंक यू। मॉल पे मिली आई गेंडा मल के तभी स्पेशली मैं। चलो एक पिंकी अम्मी को दे दो भाई पीछे। हमारा क्रिकेट खेलने का टाइम हो चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं कागजों का व्यापार हो चुका है। यहाँ पे टेस्ट रिपोर्ट्स हर एक आदमी की चेक हो रही है और डॉक्टर साहब भी हमारे साथ में ही है, वो तो घुस ही गए रिपोर्ट्स के अंदर। बहुत ज्यादा है। हाँ, क्योंकि अब इनको भी एक्सपीरियंस हो गया ना, इन्होंने भी कराए हो गए कि कहाँ काम होता है, कहाँ की बात होती है। हाँ, चलो डॉक्टर ही को थोड़ी ना आता सब, बिल्कुल सही बात बोल रहे, कॉमन चीजें जो है ना, सही बात है। अब इतने टेस्ट करा के ना खुद को भी समझ में आ गया कैसे देखना है और क्या है। बस ये है कि मेडिसिन नहीं हम ले सकते ना, बता सकते, बाकी हम लोग वैसे बता सकते हैं कि हाँ ये ज्यादा ये कम है, रिपोर्ट्स देख सकते हैं। हाँ, बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल बिल्कुल, फैमिली डॉक्टर है ना फिर ये। हाँ, तो हाँ जी, हाँ जी, फैमिली डॉक्टर, चलो इसकी मम्मी भी नर्सिंग ट्यूटर है। हाँ जी, और ये डॉक्टर बन जाएगा बिल्कुल दो तीन साल के अंदर। ओ भाई, अपने टेंट वैसे ही है अभी तक। आज आओगे तो आज का क्या प्लान है, आज भी सोएंगे? हाँ, यही सोएंगे, मस्त भाई। मैं एक मैं और नेहा यही बात कर रहे थे, भले लेट नींद आई पर भाई जो नींद सुबह तक आई ना, कोई पता नहीं। पहले मेरे को वो कुत्तों की आवाज भी सुनाई दे रही थी जो भौंक रहे थे ना, भाव भाव भाव, मैंने कहा यार कुछ ज्यादा ही ओपन हो गया। और सबसे अच्छी चीज है ना ये दीवार, अगर ये दीवार नहीं होती और ज्यादा सुनता, इससे ना वो थोड़ा सा कम हो गया तो इस एरिया में कम आवाज आती है। चलो लगाओ फिर भाई नंबर। आपने तो बिस्तर उठा दिए होंगे, भाई ने तो बिस्तर भी नहीं उठाए हमारे। यार मैंने इसलिए उठाए ना, मैंने कहा हो सकता है सुबह कोई अगर ऐसी इसमें रेस्ट करना चाहे। इसको किसी ने मना किया था बिस्तर उठाने के लिए? हाँ, ये बात बता दो, सेट कर दिया जाए। क्या कंपटीशन लगा है, वाह। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इसमें उज्जवल जीतेगा। नहीं अभी मैं जीत रहा हूं तो लग रहा है। ये तो सारे उठ गए, गुड। मेरा 50 का जब तक टूटेगा नहीं ना, 50 करोड़ जी भाई, 50 तो नहीं 20 ही है। आपने कम मारे, गुड गुड। जब तुम एक मेरे तीन थे अक्षय, बातों में ही 50 मारते हैं। ये इन्होंने कम बॉडी वेट के साथ, आ जाओ बॉडी वेट के साथ, चलो ठीक है, आ जाओ बेटा। नहीं 7500 तो होने वाले थे। कितने पुशअप करोगे? जो सबसे ज्यादा करेगा एंड में उठेगा वो विजेता। चलो ठीक है, उसको मैं फिर मैगी दूंगी कल, बाकी किसी को नहीं दूंगी। गाइस मैगी सबको खाने को मिलेगी। मंडी को डर लग गया, मंडी को डर लग गया। मैंने नहीं खानी, इसकी फेवरेट है इसकी बात, पर जीतना पड़ेगा उसके लिए। चलो सही बात है, अरे जो जीतेगा भाई जी उसको 1000 रुपए इनाम देंगे, इसलिए मुझे ही जीतना है, इसलिए 3000 आएंगे मेरे पास। चलो चलो फिर शुरू हो जाओ, आ जाओ भाई। गाइस नन्ही उधर को जा लंबे को, 1 2 3 एंड स्टार्ट। उज्जवल इज वेरी स्मार्ट, ये बहुत मुश्किल है भाभी करना। सही में तो बॉडी वेट ही तो यही है और क्या है, मैं तेरा मान दे पूरे पूरे। मनित का तो ऐसा हो गया, मनित मैं तेरे को मैगी दे दूंगी कोई बात नहीं। हो गया।
अक्षय हाँ क्या दूसरा अब दो रह गए विनर कोई भी नहीं है किसी को भी मैगी नहीं मिलेगी 3000 रुपए लाए अक्षय भाई हार गए शैलजा दीदी की फैन फॉलोइंग देख रहे आप जैसे ही पता चला शैलजा दीदी आए तो 5 बंदे ए देखो भीड़ लगी भीड़ होगी बल्कि सुमो का मैच खेलेंगे सही बात है तो अब हमारा पूजा का टाइम हो रहा है हाँ चलो गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम पूजा चलो ठीक है हम तैयारी करते हैं आप लोग आओ चलो हम निकलते हैं आप लोग भी आओ शैलजा दीदी ने चेंज वगैरह करना हो चेंज करना आपने ऐसे आ रहे हो ठीक है आओ आओ ठीक है और चाचू को थैंक यू बोलो भाई चाचू की वजह से ये पेंट भी हो गया और फिर एक दो काम और रह गए अंदर वो करके फिर कंप्लीट हो जाएगा अपना मैंने इलेक्ट्रिशियन को फोन किया था उसने कहा कि मैं अभी 20 तक नहीं हुआ 20 तक ठीक है तो कोई और देख लेते फिर बीच में ठीक है पापा एक आपके पास नहीं था वो मिस्त्री लकड़ी वाला उसको पूछ सकते हैं कि नाप दे दे हमें नाप लेते हम खुद ना तो ले आ देंगे कल हम पर तो जाना है एक्यूरेसी के साथ शैलजा दी ने हमें बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया हेलो दी कैसे हो मैं ठीक हूँ बढ़िया क्योंकि दी को हमने कॉल किया था तब इन्होंने मना किया था और यार एक्चुअली मैं क्लिनिक से इतना लेट फ्री हुई हाँ घर गई फिर मैंने कहा चलो वो भी पापा आए हुए हैं वैसे मेरे को टाइम नहीं लगता तो मैंने कहा मिल भी लूंगी फिर इनका कथा वगैरह भी थी नहीं अच्छी बात है चीजें अटेंड हो जाएगी आइए कि दी का बहुत ज्यादा बिजी होता है क्योंकि मानते हैं आपको कसम से सुबह से शाम तक ना फिर भी हमेशा ऑलवेज इनके फेस पे स्माइल होती है आपसे सच में सीखने वाली चीज है अब हमें लगता है कि हमें ऊपर चलना चाहिए क्योंकि हम तीन ही यहाँ पे रहे थोड़ी देर कीर्तन में ना उसके बाद फिर मिलता है बारंबार पवन सुत विनती बारंबार हे दुख नंदन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन विनती बारंबार जोड़ी बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी जोड़ी बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी दादा शर्मीली गोरी है दादा है गोरी है दोनों की जोड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी गोरी बड़ी सुंदर है दोनों दोनों की जोड़ी
क्यों गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। पूजा खत्म हो चुकी है सबकी, चलिए अपनी अपनी गप्पे। अब मैं सोच रहा हूँ इस व्लॉग को भी यहीं पे खत्म करता हूँ। काफी मजा आया भजन कीर्तन करके। अपनी मंडली यहाँ भी बैठी है, नेहा बैठी है मेरे बगल में। हेलो, कर दे व्लॉग खत्म, कर दे बताओ। तो अभी सब लोग जो है ना हॉल के अंदर है, गपशप चली है। तो मैं सोच रहा हूँ मैं भी हिस्सा बनता हूँ इनकी गपशप का। अब मुझे ये नहीं पता कि आज टेंट में कौन कौन सोने वाले, पर फिलहाल मैं तो हूँ मुझे जहाँ तक पता है। फिर देखते हैं, अगर कोई और होगा तो उन लोगों को सुला देंगे, पर शिवम उज्जवल भी सोएंगे आई थिंक। तो मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।